गाइस कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रैश विद झकास फॉर टुडे। आज हमारे पास बहुत काम है एंड मैं आपको एक मिनट अपनी इन्वेंट्री दिखाना चाहता हूँ। एंड यू सी भाई, इतनी सारी आयरन की पिकैक्सेस एंड आयरन के शवल। आप सोच रहे होंगे इतना आयरन हाँ कहाँ से रहा है इस पागल बंदे के पास। तो भाई मुझे माइनिंग करने की ज़रूरत ही नहीं आयरन के लिए। मेरे पास आ चुका है सुपर अल्टीमेट आयरन फार्म, जो कि हमें बहुत सारा आयरन देता है। एंड भाई आयरन तो बहुत भर भर के मिल रहा है, आयरन की कोई कमी नहीं हो रही इस समय। आज हमको थोड़ी बहुत ट्रेडिंग रेडिंग करनी है एंड मैं अपने विलेजर को भी, मतलब विलेजर नहीं, विलेज को भी बढ़ाने वाला हूँ। और वो जो मैंने एक फार्मर देखा था वो अच्छी ट्रेड दे रहा था। नहीं नहीं भाई, तू नहीं था, वो तो कोई आ रहा है। हाँ, वो एक बंदा था जो हमें मतलब कि वीट के बदले दे रहा था, शायद ये था। हाँ, वीट के बदले। हाँ, मेरे पास बहुत सारा वीट है। अरे हट जा, ये देखिए भाई खूब सारा वीट है, इससे मैं ले लेता हूँ। एंड ले लिया भाई 3 एमराल्ड और इससे और निकलवाते हैं। चल भाई दे दे, और नहीं दे सकते इससे, चलो ठीक है 5 एमराल्ड मिल गए। एंड मैं लाइब्रेरियन तेरे से देखता हूँ क्या दे रहा है। लूर वन, हाँ मेरे को नहीं पता लूर वन क्या होती है। और तू क्या दे रहा है भाई, 15 कोल दे रहा है। कोल मेरे पास नहीं है फिलहाल। और ये क्या दे रहा है, ये है कौन वेपन इसमें तो भाई, ये क्या दे रहा है, स्वीपिंग एज वन शार्पनेस वन। गाइज आज हमको, मैंने सोच रखा था कि ट्रेडिंग रेडिंग में हाथ बढ़ाएंगे अपना, तो ये दो भाई ब्रेड ले, ब्रेड दे रहा है भाई, सही है इसका। हाँ तो आज हमको ट्रेडिंग करके इन लोगों ने घर भी बनाना है अभी। और आज मैं सोच रहा था कोई एडवेंचर मिल जाए तो एडवेंचर पे भी चले जाएंगे। भाई कार्टोग्राफर लोग तो बढ़िया काम कर रहे हैं यार, अच्छा माल पानी दे रहे हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले जो हमारे पास जो खेत में गन्ने लगे थे, मैं गन्नों को तोड़ के ले आता हूँ और मैं उनसे बना लेता हूँ शुगर केन से पेपर बना लेता हूँ। गाइस फिलहाल के लिए अभी तो यहाँ पे शाम रात जो भी हो रही है, लेकिन अंधेरा हो रहा है। तो अभी हमारा फार्म कहाँ था, गन्ने वाला शुगर केन वाला, ये रहा फार्म। मैं ऑटोमेटिक फार्म ही बनाने वाला हूँ और जो हमारी लेटेस्ट वीडियो आएगी शायद कल आएगी, कभी आ जाए, तो उसमें आप देख लेना कि मैंने नया सर्वाइवल चालू करा है विद वन अनदर गाय। अगर आपको जानना है कि कौन है वो, तो अभी मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए एंड मेरे कल वाली वीडियो देख लीजिए भाई, कल या परसों आई थी वीडियो, वो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कौन था वो पर्सन जिसके साथ मैंने अभी अपनी नई सीरीज चालू करी है। एंड यहाँ पे रात हो गई पूरी तरह से, अभी क्रीपर क्रूपर भी आ रहे होंगे। मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है अपने वर्ल्ड में, जो कि है कि मैंने लाइटनिंग वाइटनिंग कहीं नहीं लगाई भाई। 4 लाइट पड़ी हैं, मतलब टॉर्चेस पड़ी हैं पूरी जगह। लगा देता हूँ ये मशाले और ख़त्म हो गए हमारे टॉर्चेस। एंड मुझे लगता है माइनिंग पे जाना ही पड़ेगा, नॉट बिकॉज ऑफ आयरन, बिकॉज ऑफ कोल। एंड कोल के लिए तो जाना ही है, और साथ ही में मेरे को एमराल्ड तो मिल ही गए, और घर बनाने हैं भाई घर इन लोगों के लिए। तो उसके लिए मुझे, मैं सोच रहा हूँ कि अगर सिल्क टच की बुक मिल जाती तो भाई एपिक रहता, लेकिन हमारे पास वो नहीं है, लैपिस लजूली नहीं है। तो अगर लैपिस लजूली मिल जाएगा तो हमारे पास इंचांटमेंट का सामान हो जाएगा टोटल पूरा। अभी इन गायों को खाना खिला देता हूँ भाई, पॉपुलेशन तो बहुत बढ़ गई गायों की है भाई, कोई तो मरना पड़ेगा, तुम लोगों को मरना तो पड़ेगा ही फिलहाल, अभी के लिए मर जाओ, बाद में फिर से आ जाएंगी बहुत सारी गाय। आज मैंने सोच के रखा है कि आज जो हम लोग माइनिंग करने वाले हैं वो नॉर्मल वाली माइनिंग नहीं होने वाली है, वो गड्ढे वाली माइनिंग होने वाली है, जो कि थोड़ी अलग लेवल की होती है, लेकिन मैं उसको अंडरग्राउंड करूँगा। तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को पता है, और मैं अभी जब नीचे चलूँगा तब मैं आपको दिखा दूँगा कि मैं कौन सी माइनिंग की बात कर रहा था। एंड मेरे पास लगभग सारा सामान आ चुका है, मेरे को बस इंचांटमेंट ही चाहिए। एंड ये पड़ी है मेरे पास लेदर, इसको भी यहाँ डाल दूँ। गाइज ये है हमारा सबसे नीचे वाला एरिया जहाँ मैंने माइनिंग करी थी, और मैंने उल्टी पुल्टी माइनिंग करी थी, यहाँ पे सोच रहा था कि कुछ भी मिल जाए। तो मैं इस जगह को और एक्सपैंड करने के लिए एक काम करता हूँ कि सबसे पहले जो यहाँ का एरिया है ना, यहाँ मैंने स्ट्रिप माइनिंग करी है और यहाँ पे भी स्ट्रिप माइनिंग कर रहा था, लेकिन भाइयों तो मैं इसको पहले लंबा करूँगा यहाँ से ऐसा, और यहाँ से खूब सारी लाइनें निकलेंगी। तो पहले मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ एंड फिर आप समझ जाएंगे क्या मैं क्या कह रहा था। तो गाइस जो हमारा एरिया है लगभग रेडी हो रहा है,
आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर नहीं समझते हैं तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि मैं क्या कह रहा था। मैं इस तरह का कुछ एरिया कह रहा था बनाने के लिए, गड्ढा टाइप का, एंड मैं इसको ऊपर से भी माइन करूँगा। एंड इसमें यह फ़ायदा होता है कि हमें सामान भी मिल सकता है, और मतलब कि सामान तो मिलता ही है, कॉबलस्टोन, डर्ट और ग्रेनाइट, डायराइट जो भी होता है। एंड हमें कॉबलस्टोन के साथ साथ हो सकता है डायमंड मिल जाए, या फिर आयरन मिल जाए, या फिर लैपिस जो कि हमको चाहिए वो मिल जाए तो ज़्यादा सही है भाई। जैसे यहाँ पे हमारा ये वाला एरिया आ गया है 12 लेवल का, एंड मैं यहाँ से इस साइड और इस साइड दोनों तरफ खोदूंगा एंड सामने भी खोदते हुए जाऊंगा, एंड फिर मैं थोड़ी स्ट्रिप माइनिंग करूंगा। तो कैसा लगा आपको आइडिया कमेंट में जरूर बताना भाई लोग। लाइक कर देना वीडियो को, अभी से ही लाइक कर दो। अगर पसंद ना आए तो लास्ट में जाके तुम लोग लाइक करा सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको अपॉर्चुनिटी है। तो अभी मैं इसको माइन कर देता हूँ भाई। आयरन 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 क्यों दे रहे हैं भाई? मेरे पास आयरन फार्म है, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को आयरन की। एंड जब ये मेरे को फालतू में दे रहे हैं आयरन तो ले ही लेते हैं, कोई बात नहीं हमको तो अभी। गाइज अभी मैंने थोड़ा एरिया तो लाइट अप कर दिया है और यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस भी लगा दिए हैं, लेकिन अभी मेरे को स्ट्रिप माइनिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बिकॉज गाइज बोलते ही टूट गई पिकैक्स। बिकॉज गाइज की स्ट्रिप माइनिंग इसलिए करना चाहिए बिकॉज हमको लैपिस मिल सकता है इससे, एंड लैपिस मिल गया। व्हाट, जैसे बोला लैपिस मिल जाना चाहिए, लैपिस really मिल गया। एंड अगर मेरे पास फॉर्च्यून की पिकैक्स होती भाई तब तो मज़े ही आ जाते भाई, क्योंकि लैपिस बहुत सारा चाहिए मेरे को समय के लिए। देता हूँ कि मैंने डायमंड माइनिंग करे एंड मेरी रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाई भाई। क्या कर रहा है तू? तेरा यहाँ पे क्या काम भाई? मर जा यार। बहुत आयरन है मेरे पास लेकिन आयरन नहीं चाहिए, तू मेरा रास्ता खाली खाली करता है। ओके तो ये मर गया। वैसे ये बाहर कैसे आया? आई डोंट नो ये लोग बाहर कैसे आ रहे हैं, कहीं से भी फांद के निकल आते हैं ये लोग, तो बहुत स्ट्रांग होते हैं। एंड अभी मेरे को चलना है सोने, बिकॉज कि अभी तो मेरे को सोना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। लेकिन मैं बता दूँ इतना सारा सामान तो आ गया, एंड मैं इसको रख दूँ जाके, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि अगर भाई लैपिस नहीं मिल रहा तो क्या नशे में यही करेंगे हम लोग, हर जगह टॉर्च पेलते रहें भाई। सारा कोबलस्टोन तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, मैं फालतू का सामान क्यों लेके गया था मेरे को कोई आइडिया नहीं है। एंड यहाँ पे 23 आयरन पड़ा है, यहाँ पे 2 पड़ा है, इसको डाल दो यहाँ पे। एंड होल्ड ऑन, मेरे पास गोल्ड है ना, 13 गोल्ड बचा है। आई नीड टू मेक एन गोल्ड फार्म भाई बिकॉज गोल्ड बहुत कम है। एंड ये रहे मोर डायमंड्स, आई हैव मोर डायमंड। एंड लेदर पड़ा है भाई, यही उत्पाद रह गई ये लेदर देख के, अब देखना है क्या करना आगे। तो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ खाना पकाने पे लगाया था। ओके तो खाना तो आ गया है यहाँ पे। एंड मेरे को अभी कुछ काम तो नहीं करना फिलहाल के लिए, मेरे को विलेजर ट्रेडिंग करनी है, विलेजर के लिए एक और हाउस बनाना है जो कि मैं ऑफलाइन ही करता हूँ भाई। ऑब्वियसली ऑफलाइन करेंगे तो ठीक रहता है, अगर सबके सामने करेंगे भाई बहुत टाइम लगता है बनाने में, आधा घंटा लग जाता है, मतलब कि अंदाजे से आधा घंटा लग जाता है एक घर बनाने में। तो ये वैसे आवाज़ कहाँ से आ रही है स्केलेटन की भाई? आई थिंक ये कहीं आसपास स्केलेटन है, मर ही गया होगा धूप में। एंड भाई मेरे पास खूब सारा कॉबलस्टोन तो आ गया है, एंड मेरे पास लैपिस भी तो आया था, कहाँ पेल दिया भाई मैंने लैपिस, ये रहा लैपिस। एंड लेवल्स भी हैं अपने पास, और मैं अब जाता हूँ यहाँ पे इंचांटमेंट करने भाई, इंचांटमेंट्स देखते हैं क्या इंचांटमेंट मिलती है भाई। किस पे करूँ, डायमंड के स्वॉर्ड पे, शार्पनेस 3, अनब्रेकिंग 2, बेन ऑफ आर्थ पॉड्स। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं अपनी डायमंड की पिकैक्स पे लगा लूँ, यहाँ नहीं होगी डायमंड की पिकैक्स मेरे ख्याल से यहाँ पे है, डायमंड की पिकैक्स पे कुछ लगाऊं कि ना लगाऊं? आई थिंक मुझे लगाना चाहिए कुछ ना कुछ तो डायमंड की पिकैक्स पे, बिकॉज डायमंड की पिकैक्स होती ही स्पेशल है भाई।
क्योंकि डायमंड के पिकैक्स पे कुछ मिल जाता है तो सही है भाई। कार डीएनई और एफिशिएंसी, अनब्रेकिंग एंड अनब्रेकिंग अनब्रेकिंग और सिल्क टच नहीं मिल रहा। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले अपनी तलवार पे कुछ लगा दूँ भाई। अरे माउस कहाँ गया मेरा। और यहाँ पे ये लगाओ एंड शार्पनेस अनब्रेकिंग बेन ऑफ आर्थो, बेन ऑफ आर्थो प्रॉड्स। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस पे मैं शार्पनेस ही लगा दूँ, लेकिन फिर लेवल चले जाएंगे गाइस। मैं अनब्रेकिंग टू लगा देता हूँ इस पे। एंड ओ भाई नॉक बैक एंड वन, भाई आई लव नॉक बैक। एंड एफिशिएंसी टू, एफिशिएंसी फोर, फोर लगा लेते हैं भाई। 30 लेवल का है, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है भाई ये पढ़ो को। एंड अनब्रेकिंग अनब्रेकिंग एफिशिएंसी, भाई कुछ ही नहीं मिल रहा काम का। अरे मेरे को चाहिए था अरे भाई ये लोग अपनी वाइट ट्रेड बार बार क्यों दिखा रहे हैं मेरे को। मेरे को चाहिए फिलहाल के लिए सिल्क टच, एंड सिल्क टच ये लोग दे नहीं रहे हैं, कमीने बंदे। आई डोंट नो भाई कब देंगे सिल्क टच, कितनी इंचांटमेंट करूँ मैं, लपिश ना खत्म हो जाए बस मेरा। अनब्रेकिंग थ्री ले लूँ क्या, ले लेता हूँ। होली शिट भाई, फॉर्च्यून टू, फॉर्च्यून टू भाई, कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि आसानी से मिल जाएगा। अनब्रेकिंग फॉर्च्यून वन, भाई वन नहीं चाहिए, टू है, वन तो क्या करूँगा। अनब्रेकिंग थ्री ले लेता हूँ बिकॉज हम बेले बैठे हैं। एफिशिएंसी 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 थ्री, टू है मेरे पास, फोर भी है, फाइव होती कि नहीं मेरे को नहीं पता। तो मैं पिकैक्स पे देखता हूँ, ओ सॉरी एक्स पे कुछ मिलता है क्या, एक्स पे एफिशिएंसी नहीं है भाई। ओ शिट, मैंने अपने आर्मर पे तो कर रही नहीं कुछ। आर्मर निकाल लेते हैं, देख लेते हैं आर्मर पे कुछ है कि नहीं। प्रोटेक्शन थ्री, प्रोटेक्शन थ्री लगा लेते हैं, ओके। एंड इस पे क्या मिल रहा है, प्रोटेक्शन फोर, ओके। ब्लास्ट प्रोटेक्शन मिल जाता तो ज़्यादा नहीं रहता, ओके ब्लास्ट प्रोटेक्शन मिल गया। एंड इस पे क्या मिल रहा है, फेदर फॉलिंग चाहिए एक्चुअली मेरे को इस पे, फेदर फॉलिंग। भाई फेदर फॉलिंग चाहिए मेरे को, कहाँ से लाऊँ फेदर फॉलिंग भाई, प्रोजेक्टाइल, चलो फेदर फॉलिंग रहन देते हैं अभी के लिए, फिलहाल के लिए अभी इसी को पहन के रखते हैं। एंड भाई अब मैं क्या सोचूं, क्या करना है मेरे को, इंचांटमेंट तो हो गई। अब आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, इंचांटमेंट्स आज ज़्यादा इंचांटमेंट नहीं करेंगे आज हम लोग, पता चले फालतू की इंचांटमेंट मिल गई एंड हमारा दिया हराम हो जाए। एंड ये जो आयरन फार्म है बहुत अच्छे से काम करता है, एंड बहुत सारा आयरन इकट्ठा हो गया, मैंने अभी देखा नहीं, कल से नहीं देखा, आज मैं आपको देख लेता हूँ, आपको भी दिखा देता हूँ कितना मिला, कितना मिला है मेरे को आयरन, बता देता हूँ मैं आपको, दिखा देता हूँ। और ये जो हमारा फार्म है ये भी अच्छे से काम नहीं कर रहा फिलहाल के लिए, तो हट जा, ओके। तो एक स्टैक हो गया था यहाँ पे, कोई बात नहीं, डाल दो उसको यहाँ पे। एंड देख लेते हैं कितना हमारे पास आ गया है आयरन, भाई साहब 3.5 स्टैक है। ये क्या है, रोज वाला नहीं, पॉपी फ्लावर, तो पॉपी क्या करेंगे, आई डोंट नो पॉपी से क्या होता है, कुछ डाई मिलती होगी, आई थिंक रेड डाई बनती है। एंड यहाँ पे थीन और मिल चुका है, तो भाई फेंक मत ऐसे, पता है फालतू चीज़ है लेकिन फेंक तो मत, कम से कम पधे के ऊपर तो नहीं फेंक बस। एंड मैं अभी अपनी फॉर्च्यून टू वाली पिकैक से इसको माइन करके देखता हूँ क्या एक्स्ट्रा मिलता है मेरे को, नहीं 28 है एंड 29 हो गया, तो मेरे को मुझे लगा था कि ये भी ज़्यादा मिलता है, 29 33 33 है 35 आई थिंक ज़्यादा मिल रहा है ये, हाँ ज़्यादा मिल रहा है मेरे को, लेकिन बहुत कम चांसेस होती हैं। 36 एंड हेयर 37 नोबडीज, ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता कुछ ट्रेड से, माइन करने से मतलब, ट्रेड नहीं, ट्रेड नहीं, अभी ट्रेडिंग नहीं करी मैंने ज़्यादा आज। तो भाई यो गो, अभी मैं आपसे घर बनाने के बाद मिलता हूँ, एंड मेरे को माइनिंग भी जाना है उसके बाद, फिलहाल तो मैं फिर आपसे मिलता हूँ घर बनाने के बाद। सो गाइज, अभी मैंने और थोड़ा काम करा है एंड मैं आपको घर दिखा दूँ। और ये मैंने यहाँ पे लगा दी क्योंकि बहुत सारे आयरन गोलम यहाँ पे आ रहे थे, और मैं सबको लीड से बांध बांध के बाहर ले गया जितनी लीड थी, और फिर वापस ले आया लीड। तो और एक बंदे को मैंने यहाँ बाहर बांध दिया ताकि हमारी सिक्योरिटी रख सके, भाई मेरे को काय देख रहा है,
वैसे मैंने इसको बनाया नहीं, लेकिन अगर मैंने इसको मार दिया तो ये मेरे को मारेगा। एंड भाई मैंने ये फेंसेस लगा दिए ताकि कोई भी इनमें से अंदर ना आ पाए। एंड मैंने इनके लिए एक और घर बना दिया है पीछे, यहाँ से रास्ता जाती है इसकी। एंड ये है एक मतलब कि शीप वाला घर, शेपर्ड। ये देखिए यहाँ पे चार शेपर्ड हैं और यहाँ पीछे शीप्स हैं। यहाँ पे मैंने शीप्स को अभी रंग दिया है और मैं चाहूँ तो इनको शेयर अप भी कर सकता हूँ। और भाई ये सब कहाँ जा रही हैं भाई, गड़बड़ हो गई गाइस, ये सब शीप्स बाहर आ गई। एंड मेरे पास वीट भी नहीं है, वीट लेके आ जाऊँगा फिर इनको दे दूँगा। कोई बात नहीं, ये सब शीप्स ज़्यादा बाहर नहीं जा पाएंगी। एंड गाइस अब मैं अपने जूते को इंचांट करना है भाई किसी भी हाल में, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी ऑफलाइन माइनिंग कर लूँगा। एंड ऑफलाइन माइनिंग में मुझे लैपिस लाजुली मिल जाए तो ठीक है। और जो हमारा आयरन फार्म है वो भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है भाई। एंड गाइस मैं शीप्स को, ये वैसे इतने सारे बॉडीगार्ड यहीं पे क्यों घूम रहे हैं मेरे को नहीं समझ में आ रहा। मैं इन सारी शीप्स को वापस से अंदर डाल देता हूँ भाई। आ जाओ सब लोग, ओते ही दो दो एक साथ क्यों आ रहे हो, एक आ जाना भाई। ओके वन एट वंस। और अब इन लोगों को खिलाने का तो है नहीं मेरे पास इरादा, क्योंकि मेरे पास एक ही है। एंड अब मेरा काम यहाँ से हो गया। और मैंने इस बार थोड़ा अलग डेकोरेशन स्टाइल भी ट्राई करा है। ये क्या बोलते हैं, वाइट बोर्ड नहीं क्या बोल देंगे भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ट्रैप डोर मैंने लगाए हैं। एंड अब मेरा विलेज थोड़ा भरा हुआ है क्योंकि सारे घर लगभग भर गए हैं आई थिंक। एंड ये वाला घर भी भर गया है जो बैंकरप्ट हो गया था घर। भाई कहाँ है इस घर के बंदे, मेरे को लिटरली नहीं पता। एंड दैट्स फॉर इट गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठा ठा बाय।